नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। चांचौड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह ने तेज किया अपना चुनावी दौरा। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, चुनाव प्रचार में हर जगह तेजी आती जा रही है। इसी कड़ी में चांचौड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह ने भी अपने क्षेत्रों का तूफानी दौरा चालू कर दिया है। लक्ष्मण सिंह अपने क्षेत्रों में ग्रामीणों से चर्चा करते नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो वो चुनाव प्रचार न करते हुए सिर्फ लोगों के हालचाल जान रहे हैं। वहीं लोग भी उनके इस प्रयास की भरसक तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही जनता से मिल रहे अपार जन सहयोग से वो भी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे हैं। कन्याओं के विवाह के लिए 51,000 रुपए की राशि देंगे। महिला अपराधों पर लगाम, पुलिस लापरवाही पर होगी सख्ती। देंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 300 से बढ़ाकर 1,000 रुपए करेंगे। नया स्वरोजगार और निवेश प्रोत्साहन के अंतर्गत 10,000 रुपए वेतन अनुदान देंगे। नौकरी में भर्ती प्रक्रिया होगी, अब पारदर्शी व्यापम को करेंगे बंद। राजीव गांधी स्मार्ट कार्ड सभी नागरिकों को देंगे। विक्रम अवार्डी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभागी रहे हर खिलाड़ी को सरकारी नौकरी देंगे। नौकरी न मिलने की स्थिति में 15,000 रुपए प्रति माह सम्मान निधि से देंगे। करते नौजवान को बुलाते हैं, नौजवान पढ़ता है घोषणा पत्र, फिर उस पर हम चर्चा करते हैं। और यहाँ देखा आपने कि नौजवानों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, सभी को अच्छा लगा इस घोषणा पत्र। हम उन्हें उनको आगे करके लाते हैं, क्योंकि आखिर ये घोषणा पत्र उनके लिए है, तो उन्हीं को आगे आना चाहिए और उन्हीं को उसको समझना चाहिए। हमारा काम पूरा करना है। भाजपा के प्रति भारी आक्रोश जनता में है, भारी आक्रोश ये आपने भी देखा होगा, आप घूमेंगे और देखेंगे। और हमें अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है, हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। और अब ये चुनाव लगभग, मेरा अनुमान है, मुझे भी आज 40 वर्ष हो गए राजनीति में, मेरा 10वां चुनाव है। मैं इस चुनाव को पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और लगन की वजह से और जनता के समर्थन की वजह से मैं कम से कम 20,000 वोट से जीतूंगा। और हम आभारी हैं हमारी महिला कांग्रेस की टीम, जो महिला कांग्रेस की टीम है वो भी बहुत सक्रियता से काम कर रही है। हमारी युवा कांग्रेस, NSUI, सभी कांग्रेस के संगठन बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। मेरा अनुमान 20,000 से कम से कम। जैसा आपने कहा, सही कहा कि BJP के खिलाफ वातावरण है, लोग नाराज हैं। अब चूंकि लोग उनसे नाराज हैं, दूसरी कोई ऐसी बड़ी पार्टी नहीं है, तो स्वाभाविक है वो कांग्रेस की तरफ पूरी प्रदेश की जनता देख रही है। और कांग्रेस एक बहुत अच्छा घोषणा पत्र लेकर चुनाव में उतरी है। उसके मुख्य बिंदु ये हैं कि हम 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे, 1,000 रुपया महीना विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन देंगे, 78 लाख हेक्टर सिंचाई का क्षेत्र बढ़ाएंगे और कोई दुर्घटनाग्रस्त अगर कोई हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है दुर्घटना में, तो 15 लाख रुपया उसको देंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं, तो इन सब बातों को लेकर हम उतरे हैं मैदान में। 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, IT का प्रचार प्रसार करेंगे, कॉलेज खोलेंगे। मधुसूदनगढ़ में IT का कॉलेज खोलने का हमारा संकल्प है चांचौड़ा विधानसभा में, और भी चांचौड़ा विधानसभा में और भी जो क्षेत्र हैं, चांचौड़ा है, बीनागंज, वहाँ भी IT का कॉलेज खोलेगा। अस्पताल, मोबाइल अस्पताल, स्थानीय एक अस्पताल अच्छा खुलेगा, जिससे कि उपचार के लिए लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। सारी योजना, हेल्थ कार्ड, गरीबी रेखा के नीचे जो रहते हैं उनको हेल्थ कार्ड मिलेगा, जो किसी भी अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। राशन का एक सस्ता पैकेज, जिसमें 25 किलो गेहूँ, 25 किलो चावल, 5 किलो तेल, 5 किलो शक्कर, 1 किलो नमक, ऐसे करके पूरा एक पैकेज जो लगभग 2,000 रुपये का बैठता है, उसको हम 300 रुपये महीने में उन परिवारों को देंगे जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। कुटीर 2.5 लाख रुपया आवास के लिए देंगे। इस तरह की एक बहुत अच्छी योजनाएँ हमारे पास हैं, जिनको लेकर हम मैदान में उतरे हैं। और जनता पूरी आश्वस्त है कि कांग्रेस इसको पूरा करेगी और जनता केवल कांग्रेस की तरफ देखती है। गादेर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एवं ज़्यादा से ज़्यादा अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए एक मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए।
जो अपने हाथों में तख्तियां लेकर चल रहे थे, जिसमें मतदान करने की अपील की गई थी। साथ ही महिलाएं सर पर कलश लेकर चल रही थी। वहीं इस यात्रा में एक व्यक्ति ने भगवान शिव का रूप धारण किया था, जिसके हाथ में ईवीएम वोटिंग मशीन का कटआउट तथा दूसरे हाथ में मतदान का निशान था। यह यात्रा ग्राम पंचायत गादेर के ग्रामीण क्षेत्रों में घूमी। हवा भरने के कंप्रेसर के फटने से एक व्यक्ति की मौत। चाचौड़ा के कोटरा गांव में कंप्रेसर फट गया। धमाका इतना खतरनाक था कि आधा किलोमीटर से ज्यादा के एरिया में कंप्रेसर के टुकड़े बिखर गए। इस हादसे में फिरोज नामक युवक की मौत हो गई। रोटरी क्लब के द्वारा निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय रोटरी क्लब के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया नेत्र शिविर। इस शिविर में 70 मरीजों की जांच की गई व जिन मरीजों के ऑपरेशन होना है उन्हें चिन्हित भी किया गया। रोटरी क्लब गुना एवं सतगुरु सेवा संघ ट्रस्ट नेत्र चिकित्सालय के तत्वाधान में रोटरी भवन में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 70 मरीजों की आंखों की जांच की गई, जिसमें 18 मरीजों को ऑपरेशन के लिए चिन्हित कर सतगुरु सेवा संघ भेजा गया। विधानसभा चुनाव में लगे उड़न दस्ते ने पकड़ी 7 क्विंटल चांदी। रात्रि को चेकिंग के दौरान एक बस को रोका गया, जिसकी तलाशी लेने पर उसमें 7 कट्टे बरामद किए गए। इन कट्टों में चांदी जैसे धातु की जेवरात बरामद किए गए। वहीं उड़न दस्ते द्वारा ये चेक किया जा रहा है कि पकड़ी गई धातु कहीं चांदी तो नहीं। हाँ,
आज रात्रिकालीन 3 से 4 के बीच में हम बांध चेकिंग के दौरान सभी बांध चेक कर रहे हैं, तो उसी टाइम पे एक बस यूपी 75 M8715 को रोककर हमने उसकी डिग्गी चेक की गई, उसमें 13 बैग पाए गए जिसमें से एक प्लास्टिक कट्टा था और 12 बोरी थे। उसमें क्या है, संदिग्ध चांदी जैसी धातु डिग्री को हमने उसको जब्त कर लिया गया है। अब वरिष्ठ अधिकारियों को हमने इसको सौंप दिया है कि ये क्या है, चांदी है, ग्लेट है। हालांकि बस द्वारा ये कहा गया है कि ये धातु चांदी ना होकर ग्लेट है, उसकी हम चेक करने के लिए हमने बैंक वगैरह के अधिकारियों को सौंप दिया है कि वो आके इसकी पुष्टि करेंगे कि ये क्या है। दाऊदी बोहरा समाज के द्वारा मनाई गई ईद उल मिलादुन्नबी, ईद मिलादुन्नबी का जुलूस बोहरा मस्जिद से प्रारंभ हुआ जो शहर के मुख्य मार्ग से होता हुआ वापस बोहरा मस्जिद पहुंचा। भारतीय जनता पार्टी से भागे हुए कन्हैया लाल अग्रवाल के द्वारा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना चुनाव प्रचार अभियान तेज किया गया। कन्हैया लाल अग्रवाल द्वारा बमोरी क्षेत्र में किया गया जनसंपर्क जिसमें मुदौल, खड़ेला, मोरखेड़ी, डेहरा, परांठ, घर्राखेड़ी, बरौदिया, जैतपुरा, जौहरी, ढीमरपुरा, वर्धा, चितौड़ा, चितड़ो, सिलेटा, धनौरिया आदि गांवों का तूफानी दौरा किया गया। साथ ही कन्हैया लाल के द्वारा इस मौके पर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील भी मतदाताओं से की गई। एक मशीन मालिक 2 निर्वाचन 16 मशीन मालिक किसान भाई 13वें नंबर पर मेरा ये वाला पुट भी होगा। अंदर किसान, हल जोतता किसान, ये चुनाव चिन्ह भी होगा और उसके सामने का बटन दबाकर एक बमोरी विधानसभा में अपनी बात तो मैं आज आपसे ये कहने आ रहा हूँ कि आप रुका रहे और ये बमोरी के लिए एक इतिहास लिखने का मौका है। एक तरफ भैर खड़ा हुआ है, एक तरफ सरकार की ताकत रही है और एक तरफ बीच में जनता का आपका अपना प्रत्याशी खड़ा हुआ है। और बमोरी की जनता को तो हर एक मौका आया है, बाकी कई लोग जो संगठन है आया हूँ और मेरा जो चुनाव चिन्ह है वो हल जोतता किसान। इसके पहले भी कई बार मैं आपके गांव में आया और जब भी मैं आपके गांव में आया इसके बाद पिछले 20 सालों से हमेशा मैं कमल को साथ लेकर आता था। कमल चुनाव चिन्ह भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह, लेकिन अपनी पार्टी ने, हमारी पार्टी ने पता नहीं किस दबाव में, जबकि 72% बमोरी की जनता ये चाहती थी, 72% 100 में 72 आदमी कि टिकट के एल अग्रवाल को मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने 10 साल में जो काम किए और हारने के बाद भी 5 साल लगातार आप लोगों की सेवा में लगे रहे और हमेशा आपको दो ही नाम आते थे जब आपको मुश्किल आती थी, या तो हमारे ऑफिस पहुँचते थे आप लोग या ऋषि भैया या मंत्री जी, कभी किसी चाहे कांग्रेसी आपका विधायक रहा हो कभी आप लोगों को तवज्जो इसमें दी नहीं। तो आज मैं हल जोतता किसान लेकर आपके गांव में इसलिए आया हूं कि पार्टी ने कहीं ना कहीं एक जो गलती करी है उसको जनता ठीक करने का काम करेगी।
शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित की गई कॉमर्स प्रदर्शनी। शहर के उत्कृष्ट विद्यालय में वाणिज्य के छात्रों द्वारा एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें वाणिज्य के बारे में बताया गया। साथ ही आम लोगों को मॉडलों के माध्यम से यह समझाने की कोशिश की गई कि जीएसटी के पहले क्या टैक्स लगता था तथा जीएसटी के बाद में क्या टैक्स लगता है। और भी कई सवालों के जवाब मॉडल के माध्यम से आमजनों को दिए गए। छात्रों के द्वारा जो सैद्धांतिक प्रश्न हैं उनको रुचिकर तरीके से और प्रायोगिक तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिससे पाठ्यक्रम को समझने में आसानी हो और जिन बच्चों को याद करने में दिक्कत आती है वो जब देखेंगे तो शायद उनको जल्दी याद होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम विषय का अध्ययन कर लेते हैं लेकिन उनका हमको व्यावहारिक उपयोग पता नहीं होता, तो आज इन बच्चों का एक प्रयास है कि जितना भी पाठ्यक्रम है उसका व्यवहारिक उपयोग क्या है, उसको आसानी से कैसे समझा जा सकता है और अन्य बच्चों को भी किस प्रकार से समझाया जा सकता है। ये सभी बच्चे अपने स्तर पर ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं और जहाँ मेरी आवश्यकता होती है मैं इनको अपने सुझाव देता हूँ। सर, पहली बार देखा है ऐसा गुना में, जितने तो साइंस के और यही देखते थे, आज पहली बार कॉमर्स का दिखाया, ऐसा क्या है? एक्चुअली में क्या है कि ये सोचना रहता है कि सिर्फ साइंस के बच्चे ही प्रोजेक्ट बना सकते हैं, वाणिज्य में बहुत काम है करने के लिए। अभी जीएसटी से पहले मूल्य का निर्धारण किस तरह होता था, जीएसटी के बाद मूल्य का निर्धारण कैसे होता है, ये आम जनता को समझ में नहीं आता, वाणिज्य के बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। तो हमारा प्रयास ये है कि स्कूल के सभी विद्यार्थी और आसपास के जो स्कूल हैं उनके भी सभी विद्यार्थी आए और ये देखें कि मूल्य का निर्धारण कैसे होता है, बाजार में मूल्य क्यों बढ़ जाते हैं, उनको नियंत्रित कैसे किया जा सकता है। वर्तमान विधानसभा चुनाव को देखते हुए आबकारी विभाग ने अवैध शराब निर्माण व विक्रय करने वालों पर कार्रवाई तेज कर दी है। आबकारी विभाग के द्वारा ग्राम राजपुरा बावरी में छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें 57 ड्रमों में 6,450 किलोग्राम महुआ लहान बरामद किया गया। साथ ही एक मोटरसाइकिल जिस पर 10 लीटर कच्ची शराब थी वह भी बरामद की गई। महुआ लहान को मौके पर ही नष्ट करवा दिया गया व शराब बनाने वाले सामान को जब्त कर लिया गया है। विधानसभा निर्वाचन 2018 को दृष्टिगत रखते हुए विशेष अभियान के तहत जिला कलेक्टर श्री बी विजय दत्ता के निर्देशानुसार जिला आबकारी अधिकारी श्री बी एस सी चौहान के निर्देशन में गुना जिले में मदिरा के अवैध निर्माण संग्रह विक्रय एवं परिवहन के अपराधों का प्रभावी नियंत्रण हेतु कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में आज दिनांक 20/11/2018 को ग्राम राजपुरा गावरी और दूसरी जगह ब्रेहाई आदि में दबिश दी गई, जिसमें लगभग 43 ड्रमों में करीबन 6,450 किलो मुगल लहान मौके से बरामद किया गया। मौके पर सैंपल लेकर नष्ट किया गया। मौके पर एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल क्रमांक MP08G8791 और 10 लीटर अवैध आश्रित आधभट्टी मदिरा बरामद की गई, जिसे मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 वन का एवं 4 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। उक्त कार्रवाई में श्री दिव्यांग सिंह सहायक कलेक्टर गुना की उपस्थिति में गई, जिसमें सहायक जिला आबकारी अधिकारी इंद्रपाल सिंह भालके, आबकारी उप निरीक्षक श्री महेश कुमार विश्वकर्मा, श्री नितेश पवार एवं आबकारी बल, पुलिस बल और होमगार्ड आदि का विशेष सहयोग रहा। डीजीआना न्यूज में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।